कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। डीसी साहब है तो नहीं है जी, बात किससे करेंगे? आप हर बात कह रहे होते हैं, डीसी साहब कर सकते हैं तो नहीं है? डीसी साहब तो चोर मोरी से निकल जाते हैं। मेरा फोन मिला लियो डीसी, ऐसे नहीं जी। कल भाई साहब टाइम लेके गए हैं और डीसी साहब ने टाइम दिया कि कल मिलेंगे, कल भी आए थे। उन्होंने सरकार ने जो 25 तारीख दे रखी है, 3 दिन बाकी रह गए हैं, किसान क्या करेंगे? पैसे भरेंगे तो कितना, 40-40, 50-50 या 2-3 रुपए सैकड़े से हिसाब से पैसे उठा के भरेंगे? 2,10,000 रुपया रेट है। 26 दिन उसको पास करने की ले रहे हैं, 2,50,000 रुपया बिल, 2,10,000 का मिल रहा है, 40,000 का घोटाला कहाँ हो रहा है? 3 दिन बाकी, हम पैसे भरने पड़ेंगे, अब क्या करेंगे इसके? 25 तारीख मुद्दा बन गया, ऐसे को परेशान हुए पड़े हैं, कितने चक्कर तो पहले लगा के जी सर बोलिए। अच्छा, आपकी क्या क्या मांगी है? ये देखो डीलर से लेते हो आप? हाँ जी, लेते हैं। डीलर से लेते हो ना? डीलर तो ये सरकार ने निर्धारित किए रेट हैं जी, और उससे ज़्यादा दे रहे हैं आप जी? हाँ जी, ले रहे हो? ले रहे हैं, कंपनी भी ले रही है। डीलर कौन है? अच्छा, जो कंपनी सरकार ने बिल काट के दे रही, बिल काट के दे रही है और पैसे ला रहे हैं 2,50,000। 2,50,000 भाई आख्या भी 2,50,000 लो हमारे से, बिल दे दो, बिल दे दो। सुनवाई नहीं हुई इसकी, सब्सिडी आई है। अगर हम 2,50,000 का बिल ले आएंगे तो फिर सब्सिडी नहीं आएगी? फिर सब्सिडी तो बची ही नहीं। हाँ, फिर तो सब्सिडी 40,000 रुपये है। फिर अगर वो सब्सिडी, ये 0 ड्रिल का है जी, ये 12,000, ये 12,000 फालतू है इसमें। और जो चोपर है इसमें देख लो, 3,30,000 है और ये 75,000 है, 55,000 का डिफरेंस है। जमींदार लेते नहीं, एक बात हो, ये जमींदार फिर इतना महंगा लेते नहीं, फिर पराली को आग लगाते हैं, आप फिर हमारे से केस बनाते हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है, सही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस वही है उसके साथ। अच्छा हाँ, ये साथ ये अलग है, नहीं 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 इसके पीछे, इसके साथ देखो मैं बात बता रहा हूँ, इसका डीलर वगैरह का नंबर आपको पता है? कंपनी आपके पास है? मैं तो खुद का मुझे नहीं पता, हैंड फ्री करके गल कर लेंगे ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਸਵੰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ, 80-90 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲੇ 2 ਪੈਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਬਾਹਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? यदि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो ये मैसेज आपका मैं डीसी साहब को फोन पे भी भेज दूंगा,
और जैसे कल आएंगे कल भी पहुँचवा दूंगा। ऐसे है जी, ये और सुन लो मेरे, हाँ जी बताओ। और जो दो चार डीलर है आपको नाम पता है तो उनके नंबर यहाँ बैक साइड में लिख दो, उनसे खुद बात मैं कर लूँगा, पहले मैं तसल्ली कर लूँगा। मोबाइल में से निकाल लो, कोई नंबर आ रहा है किसी बात नंबर लिख दो। सर पहले डीलर की बात नहीं, जो कंपनी में बात करते हैं जैसे जिनका वो डीलर है, कंपनी भी इसी रेट पे दे रही है, कंपनी भी इसी रेट पे दे रही है, कल डीलर भी दे रहे हैं इसमें कंपनी कंपनी वो बोल रहे हैं कि हम तो 10% बढ़ा रहे हैं सिर्फ, हमारे को तो मान लो पैसे लगाए हैं हम तो 10% कंपनी हमारे को ये रेट दे रही है, हम आपको ये रेट देंगे, बताओ इसमें क्या करें। इसमें जो अगली कचर वो पा गया ना जी, वो ही अमोल है इसमें, कंपनी से इतना डीलर की बात नहीं, कंपनी से इतना मंग पत्र दे देने ये डीसी साहब दे इसमें आज लै आउणगे, कल इन्हां तों असीं टाइम लै लैणे आ जिहड़े असीं लोकल इत्थे बैठे आ। सुनो कल असीं 5-4 बंदे तुहानूं मिल लांगे, आप में से ना एक का नंबर सुभाष है, सुभाष के पास है हमारे नंबर, कोई सुभाष का नंबर है ना इनके पास होएगा, ऐसा कर लेते हैं आप तो इतने लोगों को दिखवाना पड़ता है, अचानक मीटिंग में देखो जाना ही पड़ सकता, मैं भी वही दो गाँव में मोजदीन में कोई बात था, वहाँ से अभी फील्ड में जाना पड़ता है तो अचानक उनको जाना पड़ गया है, जैसे आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगा। परसों छुट्टी है, परसों छुट्टी है, परसों छुट्टी है, यदि वो छुट्टी वाले दिन भी मिलने की कहेंगे तो मैसेज में पूछो। आप ऐसे करो, आप कल का हमें टाइम दो, हम 4 बंदे कल आपसे आके इस मैटर में कितने बजे मिले, मेरे से तो किसी टाइम मिले नहीं, नहीं ऐसे नहीं जी, डीसी साहब के आप संज्ञान में लगा दो, आज ही लगा दो, आप तो पैसे लगा दोगे ना, ठीक है तो कल आप डीसी साहब से हमें मिलवा देना, नहीं आप ऐसे सीधी बात है मिलाओ नहीं जो भी स्थिति होगी ना वो बता देंगे बहुत घोटाला जिस सरकार के वड्डे अधिकारी शामिल ने और बिल घट दिता जा रहा पैसे बद ले जा रहे, कल भी साढ़े साथी आए थे डी साहब मिलने नहीं मिले, अज फिर आए हैं देखो अगे डी सी साहब मिल नहीं सकते, किसान बहुत थोड़ी कहने 20-25 किसान है वह डी साहब नहीं मिल सकते क्योंकि कितना सुरक्षा लाई हुई है, कहदा डर साढ़े तो ना साडा जो इतिहास है असं मतलब कि जथेबंदियां चलाने कभी कोई चोर डाकू थोड़ा ही इन्हों को मार देंगे, मतलब उदा हऊआ खड़ा किया जा रहा किसानों की गल सुने सरकार, पर इतों का डी सी असं बेनती जरूर करा भी ये घोटाला बहुत बड़ा है और ये पूरे हरियाणे च कला सरसे च नहीं, असं पूरे हरियाणे पद्धर से थावे एग्जाम्पल जोड़ा सबसिडी है, देखो ये जो सुपर सीडर है कंपनी रेट है 2,10,000 रुपये 2,50,000 रुपया वसूल किया जा रहा, 2,10,000 का बिल दिता जा रहा, 0 डेल है 58,000 की 70,000 रुपया वसूल किया जा रहा, चोपर है जोड़ा 2,75,000 का 3,30,000 रुपया लै जा, पुराने पैसे कौन खा रहे जब फिर डी साहब का हिस्सा है और यह बिल्कुल ही दिने डाके बजने वाली गल है, जिन्ना जिन्हें पैसे लाए जा रहे हैं जो मान लो 2.5 लाख का उन्हें 2.5 लाख का बिल देना चाहिए, सबसिडी कितने बचती, सबसिडी तो अं खा गए ही खा गए, सबसिडी के नाते किसानों के नाते ये घोटाला है और एक घोटाला अफसर रल के कर रहे हैं, कलियां कंपनियां जिहड़ी उन्होंने हाथ सरकार के नाल मिले हुए हैं क्योंकि वो कंपनियां भी सरकार के बंदे दी ने, कोई साधारण कोई मजदूर किसान की कोई कंपनी नहीं, और डायरैक्ट जिहड़ा पैसा है कोई एक नंबर च मान लो 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, कागज़ कहने 1 नंबर है पर 2 नंबर धंधा भी कानून कर रहे हैं।